गिवन क्या है? A plus B plus C is equals to 180. इन साथ साथ बेटा थोड़ा सा स्पीड में करेंगे ताकि ज्यादा काम हम कर सके. पार्ट B गिवन तो वही है सबके लिए. गिवन तो तीनों पार्ट के लिए सेम. A plus B plus C is equals to 180. और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ tan a by 2, tan b by 2, tan a by 2 into tan b over 2 plus tan b over 2, tan c over 2, tan b over 2, tan c over 2 is equals to ये इसके बाद tan c over 2 a over 2 tan c over 2 tan a over 2 is equals to 1. ये प्रूफ करना है बेटा. ठीक है जी. तो जो ये स्टेटमेंट आपको गिवन है a plus b plus c is equals to 180 वो कंसीडर कर लीजिए. जितनी कंसीडर a plus b plus c is equals to 180 कोई सी भी a b c में से कोई सी भी एक वैल्यू आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें. हम c को ही शिफ्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा a plus b is equals to 180 minus c. अब एंगल को 2 से डिवाइड करना. दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड बन जाएगी a plus b over 2 is equals to 180 minus c by 2. राइट लेफ्ट साइड तो अभी हजर बल्कि लेफ्ट साइड पर भी a और b के साथ अलग अलग लगा हुआ है तो आप अलग अलग ही अप्लाई कर लें. a upon 2 plus b over 2 is equals to 180 over 2 minus c over 2. अब इस 180 over 2 को आप सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हो बेटा? 90 a over 2 plus b over 2 is equals to 90 plus c over sir minus minus yes exactly minus आएगा. अच्छा अब दोनों साइड्स पर आपको कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो स्टेटमेंट जो इक्वेशन आपको प्रूफ करना है उसे देखते हुए आगे जाकर मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए? दोनों साइड्स पे 10 तो ये आ जाएगा 10 a plus b a over 2 plus b over 2 is equals to 10 90 minus c over 2. लेफ्ट साइड पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए? tan alpha plus beta का फॉर्मूला जरा तमाम बच्चे अपने पास देखिए अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है. tan alpha plus tan beta over 1 minus tan a upon 2 tan b upon 2. अब राइट साइड को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. एक तो ये कि आप इसके ऊपर जो है ना tan alpha minus beta का फॉर्मूला लगा दीजिए वरना टेबल में से tan 90 minus theta की वैल्यू देख लीजिए. टेबल आपकी किताब में मैं वो कर लूं फॉर्मूला लगा दूं देख लेते ना. अच्छा देख cot theta के बराबर लिखता हूं देखो tan 90 minus theta cot theta के बराबर
90 माइनस थीटा भाई लिख दूं या जाएगा cot c over और थीटा सी ओवर टू और इसके सामने आप इसका रेफरेंस भी दे देंगे सिंस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा ताकि आपको याद रहे। अब cot की फॉर्म में तो आपको रिलेशन चाहिए ही नहीं तो इस cot को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे tan upon 10 क्योंकि 10 की फॉर्म में चाहिए ना किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कैलकुलेटर आ जाएगा tan a ओवर 2 प्लस tan b ओवर 2 1 माइनस tan a ओवर 2 tan b ओवर 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan c ओवर 2। अब आपके ख्याल में क्या करना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा tan c ओवर 2 लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर से तो ये क्या बनेगा ये आ जाएगा tan c / 2 into tan a by 2 plus tan b over 2 is equals to 1 minus tan b over 2 tan b over 2 देखो बेटा ये लाइन समझ में आती है yes। अब लेफ्ट साइड की दोनों टर्म्स ब्रैकेट के बाहर जो tan c ओवर 2 लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई होगी तो पहली टर्म क्या बनेगी tan c ओवर 2 पहले a लिख लेता हूं आप c लिखिए उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन tan b ओवर 2 tan b ओवर 2 tan c ओवर और 1 से मल्टीप्लाई कर राइट साइड पर एज इट इज आ जाए 1 माइनस tan a ओवर 2 tan b ओवर 2 एक काम और करना है और आपका रिलेशन प्रूफ हो जाएगा आप मुझे बता सकते हैं क्या बस राइट साइड पर जो नेगेटिव वैल्यू है इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने यही आ जाए राइट साइड पर जो नेगेटिव वैल्यू है आप उसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने यही आ जाए ठीक है ना भाई चलो एक बार ट्राई कर लो क्या मेरी सही है सर सही है हम और शुरू किया कर लेंगे ठीक है चलो बेटा 10.3 स्टार्ट करते हैं पहले मैं ये 10.3 में यूज होने वाले फॉर्मूला का आइडेंटिटीज आपको लिखवाऊंगा सबसे पहले आपको यहां लिखना है डबल एंगल आइडेंटिटीज Thank you.
देखिए बेटा डबल एंगल से क्या मुराद है, एंगल अगर थीटा है तो डबल एंगल से मुराद यह है कि आप उस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहली बात साइन 2 थीटा, आइडेंटिटी क्या है साइन 2 थीटा, और ये बराबर किसके होता है आपको याद रखना होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डबल एंगल का मतलब ये है कि एंगल जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद देखेंगे बेटा जरा बात को समझेंगे पहले, इसके बाद है cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा जो है इसे तीन तरीकों से इसकी राइट हैंड साइड लिखी जा सकती है। पहला तरीका ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा तरीका है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके बराबर भी लिखा जा सकता है, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा को इन तीनों में से किसी भी एक राइट हैंड साइड के बराबर लिखा जा सकता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम लिखेंगे। देखिए बेटा तीसरा क्या होगा tan 2 थीटा, और ये याद रखिएगा tan 2 थीटा इसकी आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये डबल एंगल की तीनों आइडेंटिटीज हमने ली, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा। लिख लीजिए इसके बाद है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एंगल आइडेंटिटीज देखिए बेटा हाफ एंगल का मतलब क्या होगा कि एंगल को 2 से डिवाइड किया जाए। तो जरा देखिएगा समझाऊं भाईजान, देखिए पहला है साइन थीटा बाय 2, ये हो गया ना थीटा को 2 से डिवाइड किया तो हाफ एंगल 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये साइन थीटा बाय 2 इसके बराबर हो, ठीक है। इसके बाद आपके ख्याल में कौन सी होनी चाहिए cos theta by 2, ये बराबर होता है square root of 1 plus cos theta over 2, sin में minus आता है cos में plus आता है, ये याद रखने वाली बात। अब tan होता है cos sin upon cos, तो tan theta क्या बने, tan theta by 2 क्या बने, tan theta by 2 is equals to, देखिए ये बनेगा square root of 1 minus cos theta over 1 plus cos theta। वैसे तो याद रखने वाली बात है, लेकिन अगर मैं ड्राइव करके आपको बताऊं तो देखिए ये sin ऊपर आएगा और cos नीचे आएगा, जबकि numerator और denominator डिवाइड करेंगे तो कैंसिल क्या हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 minus cos theta over 1 plus cos theta। इसके अलावा आपकी किताब में tan theta by 2 को और दो तरीकों से लिखा हुआ है, sin theta over 1 plus cos theta, 1 minus cos theta upon sin theta, इस तरह से भी लिख सकते हैं sin theta over, ये भी इसी से ड्राइव किया है 1 plus cos theta या 1 minus cos theta upon sin theta, इन दोनों तरीकों से भी लिखा जा सकता है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम लिखेंगे।
फॉर्म बेटा ट्रिपल एंगल का मतलब एंगल को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा? पहला है साइन 3 थीटा, ये बराबर होता है ई साइन थीटा प्लस माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसके बाद दूसरा है कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos cube theta minus 3 cos theta। इसके बाद तीसरा है 10 3 theta 3 10 theta minus 10 cube theta 3 10 theta minus 10 क्यूब थीटा ओवर 1 minus 3 10 square theta। कॉपी कर लो बेटा जल्दी से, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस सॉल्व करवा। ठीक है बेटा, असल में पुरानी किताब में और नई किताब में क्वेश्चंस की तादाद बराबर है, लेकिन सीक्वेंस में तब्दीली। तो अगर किसी के पास पुरानी किताब है तो बस वो मार्क करता रहे, मैं क्वेश्चन इसमें से देख के करवाता रहूंगा। अगले पेज पे अगर आप देखेंगे टोटल 16 क्वेश्चन हैं जो आपको प्रूफ करने हैं वन बाय वन, जो जो मैं आपको करवाता हूँ। मेरे हाथ में एक नई किताब, जो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ बस आपको मार्क करते रहिएगा। अगर पुरानी किताब है आपकी तादाद में कभी पेशी नहीं। आइडेंटिटी को पहले आप रेफरेंस के तौर पर देख लीजिएगा, फिर उसको हम लिख लीजिए। प्रूव दैट, प्रूव करने की क्वेश्चन नंबर इज 1 साइन 2 थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा कॉस
लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा ओवर कॉस थीटा। देखिए बेटा एक तरीका तो ये है कि आप न्यूमरेटर में डबल एंगल आइडेंटिटीज अप्लाई करें, लेकिन कोई तरीका डिफाइन नहीं होता कि आपको इसी तरीके से ही इसको प्रूव करना है। डबल एंगल आइडेंटिटीज अप्लाई करने का एक तरीका है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इससे आसान तरीका क्या है कि आप इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लें, इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम। जरा देखिए मैं बताऊं आपको दोनों का एलसीएम क्या है, साइन थीटा ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन 2 थीटा से, तो ये बनेगा साइन 2 थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस 2 थीटा से, तो ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा साइन थीटा साइन थीटा। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, सुनेंगे मेरी बात, आप यहाँ पर 2 थीटा को पढ़िए अल्फा और थीटा को पढ़िए बीटा, तो क्या बन रहा है दोबारा से पढ़ना है सही तरीके से नहीं पढ़ा साइन माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, देख के बताइए अगर याद है अच्छी बात है, साइन अल्फा माइनस बीटा किसने बताया, बिल्कुल सही बताया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा is equal to sin alpha minus beta, alpha की जगह क्या लिखूं भाई 2 theta और beta की जगह क्या लिखूं theta, यहाँ जाएगा sin 2 theta minus theta divided by sin theta cos theta, अब ये 2 theta minus theta कितना हो जाए theta, theta के बराबर 2 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाए क्या जाएगा साइन थीटा, बिल्कुल सही बताइए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल क्या जाएगा 1 अपॉन और 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा, राइट हैंड साइड के बराबर। चलो कर लो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है पार्ट तो नहीं पार्ट्स की क्वेश्चन क्या है, साइन 3 अल्फा ओवर साइन अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा एलसीएम लेना है बेटा साइन थ्री अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस थ्री अल्फा साइन अल्फा ओवर साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा, उसी तरीके से साइन अल्फा माइनस बीटा के साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला इसका रेफरेंस देंगे आप, ये जो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है इसका रेफरेंस यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन
पी अल्फा माइनस अल्फा ओवर साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन टू अल्फा ओवर। अब जो आइडेंटिटीज हमने आज पढ़ी है बेटा देखिए जरा और से, उसमें साइन टू थीटा की एक आइडेंटिटी आपने लिखी होगी सबसे पहली आज की, टू साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह अल्फा लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा सिंस साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा टू साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा, क्या बच रहा है राइट हैंड साइड, टू इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फॉर्मूले का रेफरेंस मैंने स्टेट डाल दिया ना, वही आएगा, आप कॉपी करेंगे फॉर्मूला वो ही, उसी फॉर्मूले का रेफरेंस देना यहाँ पर। बिल्कुल स्टार्ट कर दिया उनके लिए, वेरी गुड, क्योंकि बिल्कुल इसी टाइप का ही है साइन टू थीटा ओवर साइन टू थीटा। क्वेश्चन नंबर थ्री, माइनस कॉस कोस थीटा सेक टू थीटा, चले जी जरा ट्राई करें आप लोग, एग्जैक्टली उसी तरह ही होगा सॉल्व, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो मैं समझा दूंगा cos 2 alpha is equals to 1 minus 10 square alpha. Question number is 4. सुनिए बेटा मेरी बात तमाम बच्चे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, प्रूफ करते हैं राइट हैंड साइड से, देखेंगे तो बात समझ में आएगी, कंसीडर देखेंगे तो एक दफा में बात समझ में आ जाएगी, कॉपी करेंगे तो फिर कंफ्यूज रहेंगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, देखिए पहले बात तो ये क्लियर रखिएगा कि थीटा लिखा हो या अल्फा लिखा हो या बीटा लिखा हो, इस सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, इन दोनों में से एक जो है वो बेसिक आइडेंटिटी है जो आपने मैट्रिक में ही पढ़ी होगी और यहाँ भी मैंने बिल्कुल शुरू में पहले ही लेक्चर में आपको सिखाई होगी, आप उन्हें बता सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा या 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, इसमें से किसको हम इक्वल लिख सकते हैं, इसके बराबर होता है और नहीं तुक्के नहीं मारना है, या तो होता है या नहीं होता, cos cot sec tan ये तो ऐसे तो बहुत सारे अक्षियां ठीक है, क्या स्क्वायर cos स्क्वायर 1 10 स्क्वायर अल्फा बराबर होता है sec स्क्वायर अल्फा, ये आपको याद होना चाहिए 1 10, आप देखिए पहला लेक्चर जो पहला लेक्चर आप रुके इसमें बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो रहा है, इसमें पहला पेज निकाले उस पे लिखा होगा, लिखा हुआ है दो काम करने, आप देखिए इधर सुने मेरी बात बेटा, इधर 1 माइनस ये तो आइडेंटिटी नहीं है, तो इस 10 की जगह तो आप लिखेंगे साइन अपॉन कॉस,
क्या बनेगा? साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये आ गई मेजर डिवीजन, और इस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख लेंगे? सेक स्क्वायर अल्फा। ये वाली लाइन समझ में आती है? yes. अब सुनते रहो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका लेना है LCM। LCM क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इस बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, LCM ले लिया ना ये, ठीक है। और इस सेक को लिखना है साइन या कॉस की फॉर्म में? साइन की फॉर्म में लिखी है, कॉस की फॉर्म में? कॉस। तो sec square alpha किसके बराबर हो जाएगा? 1 over cos square alpha। इस बारे में कोई confusion है? अब यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये cos square alpha और cos square alpha ये double cancel हो जाएगा, fraction cancel हो जाएगा, ठीक है। और आज हमने दूसरी identity लिखी थी cos 2 theta, cos 2 theta जरा देखिएगा, cos square alpha आपकी, मैंने कहा alpha लिखा हो theta लिखा हो आपका नाम लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी तो वही रहेगी, पहचान, ठीक है ना। तो मैं इसको किसके बराबर लिख दूं? cos 2 alpha, और ये आगे लिख है लेफ्ट हैंड साइड, चले कर ले मिटाएगा। अजान मुझ तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए कि चल रहा है कुछ अब अगर मैं समझदार से मुखाते हूँ तो क्वेश्चन नंबर इस 5 cos theta by 2 1 minus sin theta। बच्चों सुनना है मेरी बात, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड cos theta by 2 minus sin theta by 2 whole square। होल स्क्वायर देखते हुए आपके ख्याल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? a माइनस b होल स्क्वायर। सुनिए मेरी बात सुनेंगे पहले, a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, और अगर मैं इसको सीक्वेंस चेंज करके लिखूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा, ठीक ही बात है ना। तो हम यहां लिखेंगे a स्क्वायर, देखते रहिए, cos square theta by 2 plus sin square theta by 2 minus 2 cos theta by 2 sin theta by 2। देखेंगे तो बेटा बात समझ में आएगी, है बहुत आसान लेकिन बात को समझना है। ये वाली लाइन समझ में आ गई, a square plus b square minus 2a। अब देखिए थीटा बाय 2 हो या थीटा हो या अल्फा हो या बीटा हो, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये किसके बराबर हो जाएगा? अब आप फिर पहला पेज निकालें और पहले पेज में भी पहली लाइन, ये तो बचपन से पढ़ते मतलब मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन के बराबर होते ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो मैंने आपसे कहा ये थीटा हो थीटा बाय 2 हो अल्फा हो बीटा हो ये cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, ठीक है। देखते रहिए, ये आ गया माइनस साइन। अब इस थीटा बाय 2 को sin थीटा के बराबर, बेटा मेरी बात सुनिए, इस थीटा बाय 2 को आप सिर्फ पढ़ें थीटा, क्या पढ़ेंगे? थीटा।
टू साइन थीटा कॉस थीटा। आज की पहली आइडेंटिटी जो हमने लिखी है, जरा देखिए टू साइन थीटा कॉस थीटा ये बन रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन है, वो साइन पहले लिखा कॉस पहले लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन टू थीटा, साइन टू और थीटा की जगह क्या लिखूं, ऐसा ही है ना, थीटा की जगह थीटा बाय टू आएगा, क्या कैंसिल हो रहा है, टू से टू कैंसिल हुआ तो क्या आ गया साइन थीटा। ये राइट साइड क्या है भाई इसकी, Thank you.